चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से बता दें कि जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल दौरे का आज दूसरा दिन है और ये भी बता दें कि आज भी वो बैठक लेंगे, युवाओं से चर्चा करेंगे और इससे पहले कल भी बैठक थी। बता दें कि इसमें मोहन भागवत ने RSS से ऑनलाइन जुड़े युवाओं को कई काम सौंपेंगे, ये बात कही है और जिला प्रचारकों से भी कहा कि युवाओं को सक्रिय करें, उनसे संपर्क करें। बता दें कि अंतिम दो दिनों में भी कई कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा 5 और 6 फरवरी को अनुषांगिक संगठनों की बैठक भी लेंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल दौरा है, प्रदेश दौरा चल रहा है। गुना के बाद वो भोपाल आए हैं और शारदा विहार में उनकी बैठक हो रही है। बता दें कि आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज भी बैठक करेंगे और तमाम मुद्दों पर बैठक की जाएगी। साथ ही उन्होंने कल जो बैठक हुई थी उसमें कहा था कि युवाओं को सक्रिय करें, उनसे संपर्क करने की कोशिश करें, RSS ऑनलाइन से जुड़े युवाओं को कई खास काम सौंपेगा। तो ये बात कही थी मोहन भागवत ने। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए जुड़े युवाओं को खास काम सौंपा जाएगा, ये बात कही मोहन भागवत ने। और 5 और 6 फरवरी को भी कई कार्यक्रम होंगे, आज भी बैठक है और कई लिहाज से देखा जाए तो ये दौरा जो है मोहन भागवत का वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक पंड्या जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आलोक जी, जानना चाहेंगे कि आज भोपाल दौरे का दूसरा दिन है मोहन भागवत का, आज की क्या रूपरेखा है, आज क्या बैठक होने वाली है? देखिए, मोहन भागवत 4 दिन के प्रवास पर भोपाल में है और मध्य क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिलाकर तो यहाँ के जो संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठकों का सिलसिला चल रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संघ आने वाले 1 साल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या करेगा, उसके क्या कार्यक्रम होंगे, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से वो CA को लेकर जो देश में चल रहा है उसको लेकर किस तरीके से जवाब देगा, आगे क्या उसके बड़े अभियान चलना है, वो सब कुछ इसमें इन 4 दिनों में तय होना है। कल जो पहला दिन था उसमें जिला प्रचारकों की बैठक हुई थी और मोहन भागवत ने तकरीबन 150 के लगभग जिला प्रचारकों से रूबरू हुए थे। आज दूसरे दिन विभाग प्रचारकों की बैठक है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रांतों के विभाग प्रचारक आएंगे, इसमें कुल 36 विभाग प्रचारक होते हैं। तो ये बैठक जिला प्रचारकों से ऊपर की है और थोड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगी क्योंकि इनके दायित्व ज्यादा होते हैं। तो आज की बैठक में विभाग प्रचारकों के साथ आगामी रणनीति संघ बना सकता है कि उसको किन किन क्षेत्रों में काम करना है और उसके बाद कल से 2 दिन का जो समन्वय की बैठक है वो उसका एक अपना अलग महत्व है क्योंकि संघ उसके जो अनुषांगिक है जैसे भारतीय जनता पार्टी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है और भारतीय मजदूर संघ है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, उनके साथ 2 दिन समन्वय की बैठक करेगा। इसमें BJP बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगी और इसमें दोनों राज्यों के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे। तो इसमें पॉलिटिकली एजेंडा सेट होगा, BJP के साथ कोऑर्डिनेशन की बात होगी तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ये आज का दिन और कल बाकी 2 दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी चलिए शुक्रिया आलू जी इस तमाम जानकारी की। तो आज का दिन और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, बता दें कि बैठकें होने वाली है और क्या रणनीति संघ इस दौरान बनाता है, क्या बातचीत होती है और इसे लेकर भी सबकी निगाहें हैं कि बता दें कि 5 और 6 फरवरी को अनुषांगिक संगठनों के साथ बैठक लेने वाले हैं मोहन भागवत। 2 दिनों के दौरे पर है और कल भोपाल पहुंचे थे, कल उन्होंने बैठक ली, युवाओं से भी संवाद किया और आज भी बैठक होने वाली है। बता दें कि कई मुद्दों को लेकर अगर देखा जाए तो इस बैठक में चर्चा हुई है और आगामी जो रणनीति है संघ की और BJP की उस पर भी यहां पर विचार विमर्श होगा।